आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 110 गज में इंडिपेंडेंट विला। अब मैं इसकी लोकेलिटी की बात करूं तो 103 सेक्टर से जो हमारा 200 फीट रोड है उससे 500 मीटर्स अंदर हमें ये विला मिलने वाला है। 35 फीट रोड यहाँ पर मिल जाती है, गाड़ी पार्क करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर ममटी हमें हट शेप मिल रही है, 3 रूम्स मिलने वाले हैं, काफी बड़े हमारे रूम्स हैं, अटैच इसके साथ वॉशरूम आपको मिल जाता है, को 2 किचन मिलने वाले हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे, ग्रीन एरिया मिल जाता है, वॉलपेपर आपको यहाँ पर अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया में इंक्लूडेड मिलने वाला है, प्रोविजन मिल जाता है अपने एसी के लिए, फॉल्स सीलिंग विद कंसील्ड लाइट्स, यहाँ पर आप अपनी एसयूवी पार्क कर सकते हैं, अपना एलईडी पैनल मिल जाता है आपको, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको फॉल्स सीलिंग मिल जाती है, सॉफ्ट टच हमारे कैबिनेट्स हैं, साउंड प्रूफ हमारा सिंक है, सारा की हमें यहाँ पर फिटिंग्स देखने को मिल जाती है, हॉब का प्रॉपर प्रोविजन मिल जाता है, 10 फीट तक एक्सटेंडेड आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं, टाइल्स 10 फीट तक एक्सटेंडेड है, सीलन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, सारा की फिटिंग्स मिल जाती है, वॉलपेपर आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलने वाला है, वॉशिंग एरिया हमारा स्पेशियस है, स्टील की रेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, काफी बड़ी बालकनी मिल जाती है, काफी बड़ी यहाँ को रूफ मिल जाती है, टफन ग्लास का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट नितिका शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 110 गज में इंडिपेंडेंट विला। इस विला की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 3 रूम्स मिलने वाले हैं, काफी बड़े हमारे रूम्स हैं, अटैच इसके साथ वॉशरूम आपको मिल जाता है, किचन की मैं बात करूं तो यहां आपको 2 किचन मिलने वाले हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे, और काफी बड़ा ड्राइंग और डाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब मैं इसकी लोकेलिटी की बात करूँ तो 103 सेक्टर से जो हमारा 200 फीट रोड है उससे 500 मीटर्स अंदर हमें ये विला मिलने वाला है और ये ग्लोबल सिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी के साथ मैं बात करूँ तो हमें 35 फीट रोड यहाँ पर मिल जाती है आपके विला के सामने, आपको आराम से यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब करते हैं हमारी कोठी की एलिवेशन की बात। एलिवेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एलिवेशन काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर ममटी हमें हट शेप मिल रही है, काफ़ी बड़ी विंडो आपको देखने को मिल जाती है अपने फर्स्ट फ्लोर पे, और उसी के साथ यहाँ पर टफन ग्लास की आपकी रेलिंग्स आ जाती हैं। हमारी टाइल्स ब्राउन कलर की हैं, पेंट में ग्रे और वाइट का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ में दिया गया है, ग्रीनरी का भी काफ़ी अच्छे से यहाँ ख्याल रखा गया है, आपको प्रॉपर अपने विला के बाहर ग्रीन एरिया मिल जाता है अपने गेट के बिल्कुल साथ में। आते हैं हमारे गेट की तरफ, प्रॉपर यहाँ आपको काफ़ी बड़ा आयरन गेट मिल जाता है। आ जाते हैं हमारे पॉश एरिया में, पॉश एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल टोन एंटी स्किड टाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके साइज की मैं बात करूँ तो आराम से यहाँ पर आप अपनी एसयूवी पार्क कर सकते हैं, और यहाँ एंटी स्किड टाइल्स इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी कार को यहीं वॉश कर दो, और वॉश करने के लिए यहाँ पर आपको टैप का प्रोविजन भी दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, आप इसे स्टोरेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, अपना इन्वर्टर और सिलेंडर वट एवर यू वॉन्ट आप यहाँ पर स्टोरेज स्पेस की तरह इसे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ आपको प्रॉपर ग्रेनाइट का काम मिल जाता है अपने स्टेयर केस में, आप देख सकते हैं, और यहाँ आपको प्रॉपर मेश डोर मिल जाता है। इंटरनल डोर की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको प्रॉपर वुडन फिनिश काफ़ी बड़ा डोर मिल जाता है और मैनुअल लॉक के साथ। आ जाते हैं हमारे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में, इसका साइज़ की मैं बात करूँ तो 11x18 का भी हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आराम से 7-सीटर सोफ़ा फिट इन हो रहा है, साथ ही में आपका सेंटर टेबल भी यहाँ पर फिट इन हो रहा है। आपकी यहाँ पर पीछे आपको विंडो मिल जाती है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए अपने लिविंग एरिया में। वॉल की मैं बात करूँ तो वॉलपेपर आपको यहाँ पर अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया में इंक्लूडेड मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है और आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाती है वॉलपेपर की, और उसी के साथ यहाँ आपको प्रोविजन मिल जाता है अपने एसी के लिए, प्रॉपर कॉपर वायर आपको मिल जाती हैं। उसी के साथ सीलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको फॉल्स सीलिंग विद कंसील्ड लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, साथ ही में प्रोफाइल लाइट्स भी। आ जाते हैं हमारे डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया आराम से यहाँ पर 4-सीटर डाइनिंग टेबल हमारा फिट इन हो जाएगा, उसी के साथ सामने आपको यहाँ पर अपना एलईडी पैनल मिल जाता है, प्रॉपर वुडन वर्क आपको यहाँ पर एलईडी पैनल में मिल जाएगा। इसका कलर की मैं बात करूँ तो यहाँ वाइट और ब्राउन का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है, और ये अपने बिल्डर को बोल के आप चेंज भी करवा सकते हैं।
हमारे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में ही आ जाता है हमारा किचन। एल शेप्ड हमें यहाँ पर हमारा किचन मिलने वाला है। 11x8 का हमारा यहाँ पर किचन है। यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है कंसील्ड लाइट्स के साथ। डुअल टोन हमारा किचन है। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ ब्लैक एंड वाइट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। टाइल्स हमारे पास यहाँ पे ग्रेश वाइट कलर की हमें मिल जाती हैं। यहाँ ग्रेनाइट की मैं बात करूँ, डबल ग्रेनाइट हमें देखने को मिल जाता है डार्क कलर में। ब्लैक ग्रेश यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट है। यहाँ पर कैबिनेट्स आपको वाइट कैबिनेट्स मिल जाते हैं। अपर कैबिनेट सॉफ्ट टच हमारे कैबिनेट्स हैं। लोअर कैबिनेट्स आपको सॉफ्ट टच मिलने वाले हैं। यहाँ आप अपनी कटलरी आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंक की बात करूँ तो डुअल सिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डबल सिंक, साउंड प्रूफ हमारा सिंक है। सारा की हमें यहाँ पर फिटिंग्स देखने को मिल जाती है। उसी के साथ काफ़ी बड़ी विंडो आपके किचन में आपको मिल जाती है फॉर प्राइवेसी पर्पज एज वेल एज सनलाइट एंड वेंटिलेशन। यहाँ पर मैं प्रोविजन्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर हॉब का प्रॉपर प्रोविजन मिल जाता है। चिमनी का आपको यहाँ पर प्रोविजन मिल जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको अपने गीज़र का, वाटर प्योरीफायर का, हर चीज़ का यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना रेफ्रिजरेटर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम के साइज़ की मैं बात करूँ तो 10.5x13 का हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। आराम से यहाँ पर किंग साइज़ बेड फिट इन हो रहा है आपके साइड टेबल्स के साथ। और यहाँ वॉलपेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वॉलपेपर आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है और फॉल्स सीलिंग भी आपको इस रूम में इंक्लूडेड मिलने वाली है प्रोफाइल लाइट्स और कंसील लाइट्स के साथ। वार्डरोब की मैं बात करूँ तो 10 feet तक एक्सटेंडेड आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं और स्लाइडिंग डोर वाले हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। ड्रेसिंग टेबल में भी आपको काफ़ी स्टोरेज का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर मिरर मिल जाता है। आपको नीचे शू रैक्स का स्पेस मिल रहा है तो आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ सामने आपको अपने एलईडी के लिए प्रोविजन मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना एलईडी पैनल यहाँ पर सेट इन कर सकते हैं। हमारे रूम में विंडो मिल जाती है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। और उसी के साथ आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के साइज़ की मैं बात करूँ तो 5x7 का हमारा वॉशरूम आ जाता है। टाइल्स 10 feet तक एक्सटेंडेड है। सीलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। वाइट और ब्लैक टाइल्स का यहाँ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर आपको सेरा की फिटिंग्स मिल जाती है आपकी सैनिटरी वेयर्स में। चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। सेकेंड रूम के साइज़ की मैं बात करूँ तो सेम साइज़ का हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। आराम से किंग साइज बेड यहाँ पर भी फिट इन हो रहा है। साथ में आपके साइड टेबल्स भी यहाँ पर फिट इन हो सकते हैं। वॉल पेपर आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलने वाला है। फॉल्स सीलिंग आपको कंसील्ड और प्रोफाइल लाइट्स के साथ इस रूम में भी मिलने वाली है। 10 feet तक एक्सटेंडेड वार्डरोब्स आ जाते हैं। स्लाइडिंग डोर हमारे वार्डरोब्स हैं। और यहाँ पर जो सनमाइका एक ग्लॉसी यूज़ हुआ है, आप अपने कलर चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने बिल्डर को बोल के यहाँ पर सनमाइका अपनी कलर चॉइस का लगवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है मिरर के साथ। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाती है काफ़ी। इस रूम की एक और ओपनिंग होती है, वो होती है हमारे वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया हमारा स्पेशियस है। यहाँ पर आराम से आपकी वॉशिंग मशीन फिट इन हो जाएगी। आपको प्रोविजन मिल जाता है वाटर का। टैप्स यहाँ पर हैं, आपको प्रोविजन मिल जाता है अपनी वॉशिंग मशीन वहाँ पर इंस्टॉल करने का। प्रॉपर डक्टिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। इसके अटैच वॉशरूम की मैं बात करूँ तो अटैच वॉशरूम यहाँ पर भी 5x7 का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपकी टाइल्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी सुंदर यहाँ ग्रे टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। सेरा की हमें फिटिंग्स मिल जाती हैं। फ्लोर की मैं बात करूँ तो एंटी स्किड टाइल्स आपको यहाँ पर फ्लोर पे मिल जाती है। इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उससे पहले हम अपने स्टेयरकेस की बात कर लेते हैं। स्टेयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको रेलिंग, प्रॉपर स्टील की रेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। स्टेयरकेस में भी आपको प्रॉपर लाइटिंग मिल जाती है। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, सबसे पहले यहाँ हमें काफ़ी बड़ी बैल्कनी मिल जाती है। बैल्कनी में भी यहाँ पर प्रॉपर स्टील रेलिंग्स लगी है। टफन ग्लास का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। बैल्कनी में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट्स हमने लगाए हैं। आप भी यहाँ पर अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो प्लांट्स लगा सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी सोसाइटी का व्यू एंजॉय करने को मिल जाता है। डोर देखने को मिल जाता है मेश डोर, उसके साथ आपको यहाँ पर वुडन डोर मिल जाता है अंदर। और जैसे हम एंटर होते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे,
यहाँ पर भी आपको किचन मिल जाता है। अगर आप अपनी पार्टी होस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर भी किचन मिल जाता है। ब्लैक ग्रेनाइट का काम आपको यहाँ पर मिल जाता है शेल्फ पे। यहाँ पर भी आपको साउंड प्रूफ सिंक्स मिल जाते हैं, डबल सिंक है। यहाँ पर आपको लोअर कैबिनेट्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच कैबिनेट्स, और काफ़ी स्पेशियस है। फ्रिज के लिए आपको प्रोविजन मिल जाता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। इस फ्लोर में आपको काफ़ी बड़ा रूम मिल जाता है। रूम के साइज़ की मैं बात करूँ तो 11x12 का हमारा मास्टर बेडरूम यहाँ पर आ जाता है। काफ़ी बड़ा रूम है, आराम से किंग साइज बेड यहाँ पर फिट इन हो जाएगा आपके साइड टेबल्स के साथ। वॉलपेपर आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको फॉल्स सीलिंग मिल जाएगी कंसील्ड लाइट्स के साथ। यहाँ आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है इस रूम में। आप अपनी सोसाइटी का व्यू अपने रूम के अंदर से एंजॉय कर सकते हैं। सनलाइट वेंटिलेशन डायरेक्ट आपके बेड पे, यहाँ पर आपको सनलाइट मिल जाएगी। इसी के साथ आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में यहाँ पर मैं टाइल्स की बात करूँ तो ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का इस्तेमाल है। फ्लोर पेंटिस की टाइल्स आपको मिल जाती हैं, इस तरह की फिटिंग्स मिल जाती हैं। रूफ़ की मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ी यहाँ को रूफ़ मिल जाती है। आप यहाँ पर गैदरिंग करना चाहें, पार्टी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। टाइल्स आपको डुअल टोन टाइल्स मिल जाती है, एंटी स्किड टाइल्स आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पर वॉशिंग एरिया अगर कन्वर्ट करना है तो वो भी आपको यहाँ पर टैप का प्रोविज़न मिल जाता है। वॉशिंग मशीन के लिए आपको यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाता है। कुछ स्टेयर केस मिल जाते हैं अपनी दूसरी रूफ को एक्सेस करने के लिए। तो ये था हमारी प्रॉपर्टी का टूर। मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूँ फिर से। तो हमारी प्रॉपर्टी में आपको 3 rooms मिलने वाले हैं अटैच वॉशरूम के साथ। 2 kitchen आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी बड़ा ड्राइंग एंड डाइनिंग मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 2 floors मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपना टॉप फ्लोर रेंटल पर्पज़ के लिए भी दे सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। 103 sector से जो 200 feet वाइड रोड यहाँ जो आती है उससे अंदर 500 meters हमारी ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। 35 feet रोड आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के सामने मिल जाता है। पार्किंग का यहाँ पर एम्पल स्पेस मिल जाता है आपको। इस घर को अपना बनाने के लिए आपको सिर्फ 64 lakhs पे करने हैं, और ये सपनों का घर आपका हो सकता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और किसी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक इन कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।